अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तहनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा यानी रवे का हलवा मेरे अंदाज में। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक पैन लेंगे जिसमें मैं 1 कप सूजी ऐड कर रही हूँ। इसे हम रोस्ट कर लेंगे, स्टर करते रहें ताकि सूजी प्रॉपर रोस्ट हो होना चाहिए। सूजी का कलर लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए, इसे डार्क भी ना करें। देखिए लाइट गोल्डन हो चुका है, यहाँ आपको प्रॉपर नहीं नज़र आ रहा है लेकिन ये लाइट गोल्डन हो चुका है कलर। मैं इसे डिश आउट कर ली हूँ। ये पैन ली हूँ जिसमें मैं 3/4 कप शुगर ऐड कर रही हूँ और 1/2 कप वाटर ऐड कर लेंगे इसमें। और हम इसे हीट कर लेंगे, इसे प्रॉपर डिसॉल्व नहीं होना चाहिए शुगर, इसे चाशनी ना बनाएं। अब इस पैन में मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ, देसी घी है। तो मैं जो 1/2 कप ली थी उसमें से भी मैं 1/2 डाली हूँ और बाकी का घी आगे ऐड कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम और किशमिश, आप अपने हिसाब से ले ये क्वांटिटी। तो इसे हम अब लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। डार्क ब्राउन ना होने दे। स्टर करते रहें। यहाँ पर देखिए मैं ड्राई फ्रूट सॉर्ट आउट कर ली हूँ। ड्राई फ्रूट से सूजी हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैं 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर यूज कर रही हूँ। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप बॉयल मिल्क। पैन में जो लेफ्ट ओवर घी है उसमें सूजी ऐड कर लें और स्टोव ऑन कर लें। इसे लाइटली स्टर करते रहें और वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए इसका कलर, ज़्यादा डार्क भी कलर ना करें। स्टर करते रहें, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें फ्राइड ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे, इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लें। स्टर करते रहें, 1 मिनट तक ही कुक करें। अब यहाँ मैं शुगर वाटर जो मैं प्रिपेयर करके रखी थी वो ऐड कर रही हूँ, इसे भी स्टर करें। स्टोव को हाई फ्लेम पर ना रखें, लो फ्लेम पर रखकर कुक करें, नहीं तो फिर वो ड्राई हो जाएगा जल्दी। अब यहाँ मैं बॉयल्ड मिल्क 2 कप्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट और चाहिए तो 1 कप आप ऐड कर सकते हैं मिल्क, मैं यहाँ 2 कप ली हूँ। ये कलर का जो मिल्क था वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, इसे अच्छा से स्टर कर लें। लाइटली स्टर करें और इसका वाटर ज़्यादा सोक ना करें। अब हम इसके अंदर घी ऐड कर लेंगे, 3/4 स्पून है, इसे भी हम अच्छे से स्टर कर लें, मिक्स कर लें इसके अंदर। इतना लूज चाहिए। इसे हम अब दम पे रखेंगे, प्लेट रख देंगे इसके ऊपर, 4 मिनट तक हम इसे कुक करने दें। लो फ्लेम पर
देखिए यहाँ पर सूजी अच्छे से गल चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट है ये, देखिए इस तरह से। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून घी, जिसे हलवा बहुत सॉफ्ट होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। घी ज़्यादा ही यूज़ करते हैं इस हलवे में ताकि सूजी का हलवा बहुत सॉफ्ट रहे। अच्छे से स्टर करें ताकि घी सूजी के हलवे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करिए। आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई करिए, आप भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए हलवा रेडी हो चुका है। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से काजू ऐड कर रही हूँ इसमें, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो अपने आप ज़रूर ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।